हे hey, कैसे हो आप सब। तो 4 दिनों से मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाला क्योंकि यार जॉब करते करते यूट्यूब को मैनेज करना कभी कभी मुश्किल हो जाता है। बाय द वे, आज के इस वीडियो में हम सैमसंग गैलेक्सी F22 की नॉट ओनली अनबॉक्सिंग, तो यहाँ पे मैं कुछ टाइम तक इस फोन को यूज़ करूँगा और उसके बाद इनिशियल एक रिव्यू देने की पूरा कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले ये फ़ोन मुझे 10,300 में मिला है। तो 10,300 में कैसे मिला ये भी मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा। और ये फ़ोन आपको लेना है तो यार प्लीज़ पहले इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखो, एक इनिशियल पूरा रिव्यू देने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे फ़ोन यूज़ करता हूँ। मेरे पास फ्लैगशिप फ़ोन है, मेरे पास 20,000 के अंदर वाले फ़ोन है, तो उसके साथ ये फ़ोन कैसे परफॉर्म करता है एक यार इतने सारे फ़ोन यूज़ करने के बाद एक आइडिया लग जाता है। और चैनल पे नया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि यार ये फ़ोन मैंने खुद के पैसे से खरीदा है। तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हो तो एक तगड़ा मोटिवेशन आता है नेक्स्ट फ़ोन खरीदने में और उसका पूरा डिटेल में रिव्यू बनाने के लिए। तो खोल लेते बॉक्स को और सबसे पहले देख लेते कौन कौन से बॉक्स के अंदर आपको कंटेंट्स देखने मिलते। तो ये रहा गाइस फ्लिपकार्ट का टिपिकल बॉक्स पैकेजिंग, तो मैं फटाफट टाइम सेविंग के लिए बॉक्स को खोल लेता हूँ। उसके बाद सबसे पहले बिल आपको देखने मिलता है। मेरे पास गाइस फ्लिपकार्ट एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है और इसके वजह से मुझे फ़ोन मिला है 10,749 रुपीज़ में और इसके ऊपर फिर से 5% का मुझे कैशबैक मिलेगा। मतलब टोटल फ़ोन मुझे 10,300 के आसपास मिला है। सो ये रहा फ़ोन का बॉक्स और फ़ोन के बॉक्स के ऊपर स्पेसिफिकेशन लिखे है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा और 6000 mAh की बैटरी विथ 15W का फास्ट चार्जर आपको बॉक्स के अंदर देखने मिलता है। बाकी के स्पेसिफिकेशन कैमरा वगैरह आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे टेस्ट करना फ़ोन को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वही हम टेस्ट करेंगे। बॉक्स के अंदर बात करें बॉक्स कंटेंट की, तो सबसे पहले सिम इजेक्टर टूल आपको यहाँ पे देखने को मिलता है और मुझे लगा कि बॉक्स के अंदर आपको ट्रांसपेरेंट कवर वगैरह देखने को मिलेगा, बट ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। पुस्तकें वगैरह देखने को मिलती है। उसके बाद ये रहा हमारा मेन फ़ोन और उसके बाद यहाँ पे आपको चार्जर देखने को मिलता है और उसके बाद आपको USB 2 Type-C वाला यहाँ पे केबल देखने को मिलता है। और जो चार्जर है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया 15W का फास्ट चार्जर है, मतलब फास्ट तो नहीं बोल सकते, 6000 mAh बैटरी चार्ज करने के लिए यार इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, टेस्ट तो हम करने वाले ही है। तो रैपर से फ़ोन को बाहर निकालते हैं और क्या ही सेक्सी यार फ़ोन लग रहा है। यहाँ पे मैंने ब्लू कलर में मंगवाया था, पूरा गाइस यहाँ पे प्लास्टिक है बट ये जो टेक्सचरिंग इसके ऊपर किया है मुझे यार लिटरली बहुत ज़्यादा यार पसंद आया, सच में बता रहा हूँ। और फ़ोन ज़्यादा है यार हेवी लग रहा है, मतलब 203 ग्राम वेट इसका देखने मिलता है। बैटरी लंबी दी गई है मतलब ज़्यादा, बट फ़ोन के ऊपर कोई भी आपको स्क्रीन गार्ड वगैरह देखने को नहीं मिलता। बॉक्स के अंदर यही कंटेंट्स बस आपको देखने को मिलते हैं। बात करें फ़ोन के प्रोफाइल की, तो साइड में आपको पावर बटन प्लस फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलते हैं और टक 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 आवाज आता है या उसके बाद वॉल्यूम अप और डाउन के बटन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। नीचे सिंगल स्पीकर Type-C पोर्ट, माइक्रोफोन और 3.5mm हेडफोन जैक सपोर्ट देखने को मिलता है। साइड में आपको यहाँ पे सिम ट्रे देखने को मिलता है और ऊपर के टॉप साइड में आपको सेकंड माइक्रोफोन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और मेन 48+8+22 मेगापिक्सल के कैमराज यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं और फ्रंट साइड में आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिलता है। बात करें सिम ट्रे की, तो ड्यूअल सिम प्लस आपको मेमोरी कार्ड का सपोर्ट देखने मिलता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं हमारे दोनों भी सिम फ़ोन के अंदर, बूट कर लेते हैं फ़ोन को और यहाँ से हम फ़ोन को यूज़ करना स्टार्ट कर लेते हैं। यूज़ करने के बाद आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग में। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और कुछ टाइम फ़ोन को मैं यूज़ कर चुका हूँ और यूज़ भी कर रहा हूँ और जैसे ही फ़ोन को मैंने सबसे पहले बूट किया तो यहाँ पे मुझे एक सिस्टम सॉफ्टवेयर अपडेट देखने को मिला जो मैंने इसमें इंस्टॉल कर लिया हूँ। और जैसे ही इसके मैं ऐप ड्रॉअर में गया तो मुझे यार बहुत सारे ब्लॉटवेयर्स देखने को मिले जैसे कि MX, टकाटक, शेयर चैट, न्यूज़ हंट वगैरह, बट इनको आप इजीली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। बट जो नेटफ्लिक्स आपको ब्लूटूथ देखने मिलता है नेटफ्लिक्स को आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, फोर्स टू स्टॉप कर सकते हैं। बट यहाँ पे सबसे बड़ा मेजर एक पॉइंट मुझे देखने मिला क्योंकि मैं फ़ोन को बहुत पास में से यूज़ करता हूँ, मतलब मेरे और फ़ोन के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस नहीं होता है, तो मुझे डिस्प्ले के ऊपर छोटे 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 पिक्सल देखने को मिल रहे। क्योंकि गाइस इस फ़ोन में आपको HD+ डिस्प्ले देखने को मिलता है AMOLED बट HD+ डिस्प्ले है। तो यहाँ पे गाइस इस फ़ोन का डिस्प्ले बिल्कुल बुरा नहीं है इस प्राइस रेंज में, बट मैं एक आपको शॉर्ट कंपैरिजन दिखाऊं HD+ वर्सेज FHD+। तो आप देख सकते हो कि HD+ जो F22 है इसके डिस्प्ले के ऊपर आपको छोटे छोटे पिक्सल देखने को
मिल जाते हैं। बट गाइस इस फोन के प्राइस रेंज के अराउंड जितने भी सारे फोन आते हैं उनमें सब में आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है, उससे तो कहीं गुना इस फोन का डिस्प्ले बेटर है। जैसे कि मैं आपको पोको X3 Pro जिसमें LCD डिस्प्ले देखने को मिलता है और 19,000 का फोन है, तो उसके साथ कंपेयर करके आपको यहाँ पे दिखाऊं तो उससे बेटर इस फोन का डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, मतलब F22 का, तो यहाँ पे उससे ज्यादा ब्राइट है, उससे ज्यादा बेटर कलर्स यहाँ पे निकल के आते हैं। और बात करें आउटडोर विजिबिलिटी की, तो आउटडोर विजिबिलिटी मतलब डायरेक्ट सनलाइट में भी इस फोन का डिस्प्ले आपको पूरा विजिबल यहाँ पे देखने को मिलता है। और बात करें कलर एक्यूरेसी वगैरह, तो यूट्यूब पे आप 1080p में वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं, यूट्यूब में आप Amazon प्राइम के ऊपर या नेटफ्लिक्स के ऊपर भी 1080p में वीडियो प्लेबैक कर सकते हैं, और यहाँ पे डिस्प्ले के कलर्स आपको बेटर देखने को मिल जाते हैं। 90Hz के साथ इस फोन का डिस्प्ले आता है, बट 90Hz यहाँ पे काम करता है, बट जैसे कि आप क्विक टॉगल वगैरह यहाँ पे ओपन करते हो, नीचे स्वाइप डाउन करते हो, तभी आपको लैग देखने को मिल जाता है, या आप ऐप ड्रॉवर में जाते हो तो कभी कभी यहाँ पे आपको थोड़े से स्टटर्स या लैग देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे 90Hz इतना परफेक्टली हैंडल नहीं होता है, बट 90% यहाँ पे काम चलाता है। डिस्प्ले तो आपको इस फोन में AMOLED देखने को मिलता है, बट प्राइस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट ही देखने को मिलेगा, जिसका स्पीड आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और बात करें यहाँ पे स्पीकर आउटपुट की, तो यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर नीचे के साइड में देखने को मिलता है, और यार लाउड करना चाहिए था, एक तो डुअल स्पीकर देखने को नहीं मिलता, ठीक है इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलेगा, बट यार लाउडनेस मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था उससे भी कम लाउडनेस आपको देखने को मिलता है, और बेस वगैरह ट्रबल वगैरह वो तो छोड़ दो, वो तो यार दूर की बात है, तो स्पीकर ने मुझे इतना खुश नहीं किया। बात करें ईयरफोन आउटपुट की, तो मैं वायर हेडफोन से टेस्ट किया था, तो बेस वगैरह आपको पूरा क्लियर टकटक देखने को मिलता है, लाइक ठक ठक ठक, बट दिक्कत ये है कि और थोड़ा सा लाउड यहाँ पे होना चाहिए था। बात करें ऊपर के ईयर पीस की, तो उसका भी क्वालिटी आपको जबरदस्त यहाँ पे देखने को मिलता है, मतलब ज़्यादा लाउड है। बाकी गाइस बात करें नेटवर्क एंड सिग्नल स्ट्रेंथ की, तो यहाँ पे मैं जियो और वोडाफोन बोथ सिम कार्ड इस फोन में यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मुझे सिग्नल स्ट्रेंथ में कोई इशू देखने को नहीं मिला, बट सबसे बड़ा मेजर इशू है कि अभी तक मुझे ना वोडाफोन में 4G+ का सपोर्ट देखने को मिल रहा है, ना मुझे जियो के अंदर 4G+ का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो आई थिंक इसमें आपको 4G+ का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, और आप गांव में वगैरह रहते हो तो आपको इंटरनेट के लिए इस फोन में प्रॉब्लम आ सकता है, मतलब इंटरनेट का लो स्पीड वगैरह देखने को मिल सकता है, क्योंकि गांव में हर जगह आपको 4G+ का सपोर्ट अभी करंटली देखने को मिल रहा है, बट करंटली कोलकाता सिटी में भी मुझे इस फोन में 4G+ का सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब इस फोन में मे बी 4G+ का सपोर्ट नहीं है। बाकी बात करें सॉफ्टवेयर की, तो तगड़ा और पावरफुल देखने को मिलता है, One UI 3.1 कोर वर्जन है, Android 11 के साथ, और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी आपको देखने को मिल जाती है। और सबसे अच्छा लगा मुझे कि यहाँ पे खुद सैमसंग का डायलर देखने को मिलता है, जिसमें आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हो और सामने वाले पार्टी को पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको गूगल डायलर देखने को नहीं मिलता, बट गूगल मैसेज देखने को मिलता है। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का भी फीचर आपको इस फोन के अंदर देखने को मिलता है। डॉल्बी एटमॉस का भी फीचर गाइस इस फोन में आपको देखने को मिल जाता है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। बात करें परफॉर्मेंस की, तो हेलियो G80 का प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है, और एंटीटू बेंचमार्क्स वर्जन 9 में 1,78,000 इसका स्कोर आता है, मैं 2,00,000 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा था। उसके बाद यहाँ पे गाइज बात करें गीक बेंच, तो यहाँ पे सिंगल स्कोर और मल्टी स्कोर देख सकते हो, G80 प्रोसेसर है तो इसके हिसाब से तो ये यार इतने ही आते हैं। बाकी रीड राइट का भी स्पीड आपको थोड़ा सा यहाँ पे कम देखने में मिलता है, बट आपका काम चल जाएगा। उसके बाद मैंने CPU थ्रोटलिंग भी ट्राई किया, यहाँ पे CPU थ्रोटल कब होता है और हीटिंग कितना होता है फ़ोन, ये भी ट्राई किया। रूम टेम्परेचर लगभग 30°C के आसपास था, तो 5 मिनट CPU थ्रोटलिंग रन करने के बाद मैं फोन का टेम्परेचर चेक कर रहा था, तो 37.6°C या 38 के आसपास ये गया था। तो यार इतना ज़्यादा फ़ोन हीट नहीं होता है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे CPU थ्रोटलिंग को मैंने स्टॉप किया 6 मिनट के बाद, तो मुझे यार लिटरली बहुत अच्छा यहाँ पे स्कोर देखने मिल रहे, और ये फ़ोन 95% परफॉर्म करता है, मतलब इसके सॉफ्टवेयर की वजह से एवरेज मैक्सिमम स्कोर बहुत बढ़िया आ रहे थे। उसके बाद मैंने BGMI ट्राई किया, तो यहाँ पे स्मूथ प्लस अल्ट्रा का ही मैक्सिमम मतलब मिनिमम बेस्ट FPS देने वाला ग्राफिक सेटिंग आपको देखने मिलता है, बाकी HDR, HD और हाई तक ये फ़ोन सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे अल्ट्रा प्लस स्मूथ में गाइस मुझे FPS 40 के आसपास ही देखने को मिल रहे थे,
बट ये गेमिंग बिल्कुल फ़ोन नहीं है, गेम के लिए आप मत लेना। बहुत ज़्यादा ये पीस ड्रॉप होते हैं, सडनली लैग होते हैं। बाकी मेरा फुल डिटेल गेमिंग वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है, बट इनिशियली बता रहा हूँ चलते चलते लैग होता है। बाकी गाइज यहाँ पे और भी फ़ोन की बात करें जैसे कि कैमरा, तो गाइज ये पहला सैंपल है जो 48 मेगापिक्सल कैमरे से लिया हुआ है। तो यहाँ पे बात करें डिटेल्स की तो लगभग 16.75 MB का इमेज मतलब फ़ोटो की साइज़ आती है। यहाँ पे बात करें यहाँ पे डिटेल्स की तो देख सकते हो यहाँ पे वाइड बैलेंस इतना एक्यूरेट नहीं है। यहाँ पे यार पूरा बादल और बिल्डिंग को ये मिक्स कर रहा है, बट यहाँ पे यार 48 मेगापिक्सल के हिसाब से जो डिटेल्स आ रही है वो ठीक ठाक आपको देखने को मिलती है। इतना बड़ा कोई दिक्कत नहीं है, बट वाइड बैलेंस में यार बहुत बड़ा इशू यहाँ पे होता है। उसके साथ यहाँ पे ये नॉर्मल शॉट है और ये अल्ट्रा वाइड का शॉट है। तो देख सकते हो यहाँ पे अल्ट्रा वाइड में जो आपको डिटेल देखने मिलती है ये भी यार बहुत कम यहाँ पे देखने मिलती है। बट क्या करें, प्राइस अकॉर्डिंग आपको ये सब कुछ एक्सेप्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। उसके बाद बात करें यहाँ पे मेन कैमरा पोर्ट्रेट मोड की, तो ये मेन कैमरे से लिया हुआ फ़ोटो है। तो यहाँ पे देख सकते हो डिटेल्स वगैरह ठीक ठाक देखने मिलती है, और पोर्ट्रेट मोड में लिटरली गाइज मुझे इम्प्रेस किया है इस प्राइस रेंज में। बोथ कैमरा मतलब फ्रंट कैमरा और बैक कैमरा के जो पोर्ट्रेट के शॉट है बहुत ज़्यादा बेटर यहाँ पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये मेन कैमरा है, एच डिटेक्शन वगैरह आपको प्रॉपरली देखने मिलता है, वाइड बैलेंस थोड़ा सा गड़बड़ करता है बट इतना भी दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बात करें सेल्फी पोर्ट्रेट मोड की, तो यहाँ पे देख सकते हो ये सेल्फी में लिया हुआ फोटो है पोर्ट्रेट मोड में। तो यार एज डिटेक्शन आपको पूरा एक्यूरेट यहाँ पे देखने मिलता है, चेहरे के ऊपर भी डिटेल्स वगैरह आपको देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो कैमरा यार इस प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत आपको मतलब ठीक ठाक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। के लिए आपको HD 30 FPS का ही ऑप्शन देखने मिलता है, बाकी वीडियो में आपको स्टेबिलाइजेशन वगैरह देखने मिलता है। बाकी वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी आप चेक कर सकते हैं, और ये फोकसिंग भी यार क्विकली करता है देख सकते हो। बट क्वालिटी इतनी कुछ खास नहीं है, बट प्राइस अकॉर्डिंग आपको ठीक ठाक वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाती है। बाकी इनिशियल गाइस 24 आवर के बाद मुझे फ़ोन बहुत ज़्यादा पसंद आया इस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग। लगभग 12,500 में देखने में मिलता है, बट ऑफर वगैरह लगा कि 11,500 में आपको देखने में मिलेगा। बट सिंगल स्पीकर, नो 4G+, ये भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। बाकी मेरा इन डेप्थ फुल रिव्यू बहुत जल्दी आने वाला है, और PUBG गेमिंग रिव्यू वगैरह ये सब कुछ आएगा। बाकी मुझे कमेंट करके बताना आपको और कौन कौन से इस फ़ोन के रिलेटेड वीडियो चाहिए। जय हिंद दोस्तों।